हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जो कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है एरॉन इंडस्ट्रीज। आपने ये कंपनी के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसकी प्राइस चल रही है 200 रुपये। का पी है 37 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 26 की, और कैपिटल एम्प्लॉयड 22 का। ईपीएस की ग्रोथ 3 साल की 52 की, सेल्स की 30 की, और प्रॉफिट की 52 की। और ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, एलिवेटर्स, उसके पार्ट और स्टील पॉलिशिंग की। ये जो कंपनी है ये अपना एलिवेटर सेगमेंट से 64% का रेवेन्यू कमा चुकी है, और जो पॉलिशिंग और इलेक्ट्रिक सेगमेंट है उसमें टोटल 36% का रेवेन्यू कमाती है। अभी हम देखें तो इसकी जो कंपनीज का प्रोडक्शन का पोर्टफोलियो है वो है मैनुअल डोर्स, कंट्रोल पैनल्स, ऑटो डोर सिस्टम्स, एलिवेटर्स, कैबिन, सेफ्टी एक्सेट्रा। और अगर हम इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी ने अभी फिलहाल में 160 टन का कैपेसिटी एक्सपेंशन स्टेनलेस स्टील के लिए एक्सपांड किया है। तो अगर हम इस कंपनी के अगर चार्ट पे अगर आएंगे तो आप देख सकते हैं इस चार्ट ने अभी 50 डे मार्क के रेजिस्टेंस को टच किया है, वहाँ से ये अपवर्ड मूव में जा रहा है। अभी जो इसका लेटेस्ट हाई था वो था इसका लेटेस्ट हाई बनाया था 230 के पास में, तो वहाँ से ये गिर के अपने 50 डे मार्क को वो सपोर्ट लिया है। वहाँ अभी इसका भाव चल रहा है 193 रुपये। तो यहाँ से अभी फिर से ये अपवर्ड जाने के लिए तैयार है। अगर आप इसमें अभी निवेश कर सकते हैं तो ये रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा बैठेगा। अगर हम इसके प्रोस के बारे में देखें तो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने वाला है, और सीएजीआर 137% से बढ़ रहा है पिछले 5 साल का, और इसके जो डेप्टर डेज है वो 30 से 23 हो गए। स्टॉक अभी थोड़ा महंगा चल रहा है, लेकिन ये स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही हाई है। अगर हम इसके कुछ पीयर्स की बात करें तो इसमें आते हैं थर्मेक्स, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर हम इसके सेल्स देखें तो दिसंबर 2021 में 9 करोड़ का था, वो अभी 13 का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14 से 16 की हो गई है, और नेट प्रॉफिट 1 से 1.24 करोड़ का हो चुका है। अगर हम इसके ईयरली वाइज देखें तो पिछले साल 37% का 37 करोड़ का सेल्स था, इस साल 52 का हो गया है, और नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से 5 करोड़ हो गया है। बोरोइंग्स देखें तो 9 से 11 करोड़ हो गए। स्मॉल कैप होने की वजह से इनको कैपिटल का यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से बोरोइंग रहना नॉर्मल बात है, लेकिन रिजर्व बढ़ चुका है 5 से 7 करोड़ का। ओके, तो अगर मैं आपको इसके चार्ट पैटर्न के बारे में अगर बताऊँ जीरोधा के काउंसिल पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये अपने एरॉन AARO इंडस्ट्रीज। अभी हम इसकी चार्ट पैटर्न पे देखें तो आपको समझ आएगा कि ये इतना बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ये अपने सारे मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसका सपोर्ट ले चुका है, नीचे से बाइंग आ रही है। और अगर आप इस लेवल पे अगर बाय कर जाओ तो 100% इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, पहले 217 का होगा और दूसरा 235 का। तो अगर आपको इस कंपनी के बारे में एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।